Hello everyone, welcome to Free Study. So this is second last video for Insights October 2019 Current Affairs Compilation and हमने already 130 pages कर लिए हैं and आज again हम 30 pages करेंगे. So हमारे हो जाएंगे 160 pages तक and then 20 more pages. So after that October Current Affairs will be complete. And if you are new to the channel, please आप channel को ज़रूर subscribe करें ताकि आपको notification मिले, क्योंकि अगर आप channel को subscribe नहीं करेंगे and bell icon press नहीं करेंगे तो आपको notification नहीं मिलेगा. तो आप channel ज़रूर subscribe करें and notification लेने के लिए bell icon भी press करें. तो start करते हैं आज का video and आज हम start करेंगे blockchain technology से. थोड़ा science से start कर रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन उसको यूज़ करना चाहता है ताकि एक एंड कस्टमर्स तक पहुंच सके जो सप्लाई चेन है टी की ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन टी मार्केटिंग चैनल्स को एक तरीके से डिजिटाइज करने की बात की जा रही है. तो एक लुक ले लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे. तो ये आप देख सकते हैं दिस इज़ अ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ इट, ये क्या है. तो ब्लॉक चेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होगा, ठीक है. अगर आपने अकाउंट्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा लेजर जनरल क्या होते हैं. तो सभी ट्रांजैक्शंस का एक लेजर होगा एंड इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस को भी कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी की. इसके अंदर फंड ट्रांसफर्स हो सकते हैं, ट्रेड्स को सेटल किया जा सकता है, वोटिंग भी की जा सकती है एंड ऑल अदर यूजेस भी. तो मान लीजिए जैसे किसी ने कोई ट्रांजेक्शन को रिक्वेस्ट किया, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, तो ये जो रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन होगी ये पी टू पी नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड है जिन्हें नोड्स कहते हैं, तो ये जो रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन होगी ये ब्रॉडकास्ट की जाएगी. ब्रॉडकास्ट होने के बाद जो ये नोड्स हैं, ये आप देख सकते हैं दीज आर द नोड्स, इनका जो नेटवर्क होगा ये ट्रांजेक्शन को वैलिड करेगा एंड देखेगा कि यूज़र का स्टेटस क्या है. उसके बाद वेरीफाइड होने के बाद इसमें क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, एंड इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी इन्वॉल्व होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड और कोई भी इंफॉर्मेशन. जैसे ही वेरीफाई होगा ट्रांजेक्शन को दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा एंड एक ब्लॉक ऑफ डाटा बन जाएगा. फिर ये जो न्यू ब्लॉक होगा इसे ऐड किया जाएगा एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन के अंदर, ये जो नया ये एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में ऐड हो गया एंड जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. तो ये एक नया डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सिक्योर है, क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस है नेटवर्क. एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइंस हो गए उन्हें भी सपोर्ट करता है एंड डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डिजिटल एसेट्स भी. तो सुपर हेडेड बाय बिटकॉइन ये एक कंसेंस इसने अचीव किया अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स जिसके थ्रू डिजिटल गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा बिना किसी नीड ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथोराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स के. ये कैसे काम करता है, इस टेक्नोलॉजी से जो ट्रांजेक्शन्स होंगी मीन्स टू बी साइमल्टेनियसली एनोनिमस, सिक्योर, पीयर टू पीयर, इंस्टेंट एंड फ्रिक्शनलेस. ये कैसे होता है, एक ट्रस्ट बनाना कर रखना पड़ता है पावरफुल इंटरमीडियरीज के साथ टू अ लार्ज ग्लोबल नेटवर्क जो मास कोलैबोरेशन के साथ मिलकर एक क्लेवर कोड, क्रिप्टोग्राफी एंड एक टेम्पर प्रूफ पब्लिक लेजर को इनेबल करता है हर ट्रांजैक्शन के दैट्स एवर हैपेंड ऑन द नेटवर्क. तो जो ब्लॉक है वो करंट पार्ट ऑफ ब्लॉक चेन रहेगा जिसके अंदर सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो ब्लॉक चेन में वापस चला जाएगा एज अ परमानेंट एड्रेस. नाउ हर टाइम जैसे ही ब्लॉक कंप्लीट होगा एक नया ब्लॉक जनरेट होगा, फिर इसी तरीके से ब्लॉक्स जो होंगे वो एक लीनियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होते चले जाएंगे एंड हर ब्लॉक के अंदर कंटेनिंग अ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो रेड कलर का है ये न्यू ब्लॉक है एंड ये जो पुराने हैं ये आपके पुराने ब्लॉक्स हैं. तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, पब्लिक लेजर सिस्टम जैसे होता है तो ये रिकॉर्ड कर पाएगा हर ट्रांजेक्शन को, वैलिडेट कर पाएगा जिससे सिक्योर एंड रिलायबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं एंड ये अथोराइज होगी बाय माइनर्स जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स इम्यूटेबल है एंड देर इज़ नो थ्रेट ऑफ हैकिंग, हैकिंग का भी कोई डर नहीं रहेगा एंड इसमें कोई थर्ड पार्टी भी नहीं चाहिए, अगेन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहिए. सो ये टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. तो कम्युनिकेशन जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो पाएगी क्रिप्टो करेंसी की, सेफ है, कॉस्ट कम लगेगी, फास्ट बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ डाटा, नोटरीज, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सब सेफ रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइनेंशियल एसेट्स ये अचीव हो पाएगा,
cloud storage, digital identification, smart communication and digital voting as well. Now, regulation in India, jo current debate hai India ke andar, unfortunately, wo trading and speculation par focus karte hain and cryptocurrency ko investment tool maante hain and ye nahi samajhte ki core blockchain technology jo hai ya jo cryptocurrencies ka jo role hai, wo decentralized transactions ke liye bhi kiya ja sakta hai, jo ki iske through किया गया है. तो जो साइबर लॉज हैं वो इस ट्रांजैक्शन के सभी एस्पेक्ट को भी टच कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, WWW हो गया, साइबर स्पेस हो गया. तो आईटी एक्ट 2000 है जिसे अमेंड किया गया 2008 में, सेक्शन 463 है आईपीसी का, सेक्शन 420 है. एंड आज का जो एनवायरनमेंट है वो इतना टेक्नो सेवी है कि हर कोई डिजिटली सोफिस्टिकेटेड है एंड इवन क्राइम्स भी, कि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमारे पास सफिशिएंट ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी आपने स्पाईवेयर देखा होगा पेगासस का जो व्हाट्सएप के अंदर आ गया था. तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एंड विदाउट हर्टिंग इनोवेशन दीज आर नेसेसरी. नाउ डायरेक्ट मेटल्स, तो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया क्लास ऑफ मटेरियल्स फाउंड किया है जिसे कहा गया है सेमी डायरेक्ट मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे टू अ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड पोलराइजेशन व्हेन इट इज इंसिडेंट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये मटेरियल उसी लाइट में ओपेक भी हो जाएंगे अगर व्हेन इट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये ध्यान रखिएगा, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट, एंड जब डिफरेंट डायरेक्शन से आएगा तो क्या हो जाएंगे, ओपेक. तो डायरेक्ट मेटल्स मीन्स इनकी जो क्वालिटी होती है नॉर्मल मेटल्स की तरह, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, डिपेंड करता है कि एनर्जी कितना है, मीन्स उसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है. डायरेक्ट मेटल्स जो है वो नॉर्मल मेटल से इसलिए भी डिफरेंट हैं क्योंकि एनर्जी उनके मोमेंटम पर ही डिपेंड करती है. जो सेमी डायरेक्ट मेटल्स होंगे वो डायरेक्ट मेटल्स की तरह ही बिहेव करेंगे एक डायरेक्शन में, लेकिन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो जाएंगे तो वो नॉर्मल मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे. तो सेमी डायरेक्ट मेटल में यूनिक क्या है, इन मटीरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स या जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, इनका इफेक्टिव मास होता है जो कि अलग है उनके बेयर मास से या डिफरेंट फ्रॉम देयर बेयर मास डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल. जो इफेक्टिव मास है एंड जो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई व्हेन इट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डिटरमाइन करता है कंडक्टिविटी भी एंड अदर सच प्रॉपर्टीज भी. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ अ सेमी डायरेक्ट मेटल. इन पर्टिकुलर जो इफेक्टिव मास होगा वो जीरो हो जाएगा फॉर कंडक्शन अलॉन्ग अ स्पेशल डायरेक्शन. नाउ सेमी डायरेक्ट मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, TiO2, V2O3, नैनो स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अंदर ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग फिल्म्स हैं जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मोबाइल्स के हमारी टच स्क्रीन्स होती हैं, तो वो हो गए एग्जाम्पल इसका. एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो एनर्जी मोमेंटम डिस्पर्जन होता है रिलेशन वो लीनियर हो सकता है, विच कैन लीड टू लार्ज वेलोसिटीज़ एंड वैनिशिंग. एंड ये जो वेलोसिटीज़ होती हैं ये 100 टाइम्स ज़्यादा हो सकती हैं नॉर्मल मेटल से, जिससे मोबिलिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सो कॉल्ड डायरेक्ट मेटल्स. तो और जो सेमी डायरेक्ट मेटल्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट है, अभी मैंने आपको बताया. अगर परपेंडिकुलर होगी तो आपका, अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए सेमी डायरेक्ट अगर परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, एंड अगर एक डायरेक्शन होगी तो डायरेक्ट मेटल्स की तरह बिहेव करेगा. तो डायरेक्शन डिपेंडेंस जो होती है वो मटेरियल स्पेशल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है. नाउ वी विल रीड अबाउट एज कंप्यूटिंग. तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बाय 2025 2025 तक कंपनी जो है वो 75% डाटा से भी ज़्यादा डाटा जनरेट करेंगी आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर्स, दैट इज़ एट द एज ऑफ द क्लाउड. एंड एज द यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस एक्सपेंड्स एंड जो नीड है IoT डाटा को प्रोसेस करने की वो भी बढ़ रही है. काफ़ी सारे IT लीडर्स जो हैं वो इसको ज़रूरी मानते हैं एंड दे आर बिगनिंग टू एम्प्लॉय एज कंप्यूटिंग ऑप्शंस. तो एज कंप्यूटिंग से क्या हो सकता है, डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है एंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है एट द एज ऑफ ए नेटवर्क.
तो जो डाटा है उसे एनालाइज किया जाता है लोकली क्लोजर टू विच इट इज़ स्टोर्ड एंड इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी रेदर देन सेंड इट फार अवे टू अ सेंट्रलाइज डाटा सेंटर. तो उससे क्विकर डाटा प्रोसेसिंग होती है एंड कंटेंट डिलीवरी भी क्विकर हो जाती है. एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस बस यही है कि डाटा प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो सिस्टम है वो परफॉर्म करता है सभी कंप्यूटेशंस को इन द क्लाउड यूजिंग डाटा सेंटर्स. एज कंप्यूटिंग के अंदर जो भी डाटा जनरेट होगा वो उसे स्टोर किया जाएगा एंड प्रोसेस किया जाएगा लोकली. मीन्स उसके लिए कोई अलग से नीड नॉट टू बी सेंट ओवर अ नेटवर्क एज सून एज इट इज़ प्रोसेस्ड. सिर्फ इम्पॉर्टेंट डाटा ही सेंड किया जाएगा. सो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एज कंप्यूटिंग में कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी हैं एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंसर्न है वो है कि डिवाइसेस की फिजिकल सिक्योरिटी, बिकॉज काफ़ी सारे मलिशियस अटैक्स होते हैं एंड मिसशैप्स ऑफ ऑल काइंड्स जिसके थ्रू जो ऑफिस इक्विपमेंट है एंड जो टेक्नोलॉजी सेफ्टी है वो विद इन कॉरपोरेट वॉल्स रह पाएगी या नहीं रह पाएगी. माइक्रो डाटा सेंटर्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं बाई टेली कम्युनिकेशन कंपनीज एंड कुछ केसेज में जो सेल टावर्स के बेसिस होते हैं वहाँ पे भी फिजिकल वल्नरेबिलिटी होती है जिसके थ्रू कॉर्पोरेट डाटा सेंटर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. ये है आपका क्लाउड डाटा सेंटर्स थाउजेंड्स, दीज आर द फॉग नोड्स मिलियंस एंड दीज आर द एज डिवाइसेस बिलियंस. तो इस तरीके से ये काम होता है. तो एज कंप्यूटिंग जो है वो प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट अ कैटास्ट्रॉफिक अटैक जब भी कोई सिंगल इंसिडेंट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी डाटा हो. तो ये ज़्यादा रेजिलियंट है क्योंकि एक दो या तीन डाटा सेंटर्स के बजाय आपके पास ये एक ही होगा. सो यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एंड कंप्यूट ऑन द एज जिसके थ्रू मैलिशियस एंड जो नॉन मैलिशियस इवेंट्स हैं उनको भी अच्छे से टैकल किया जा सकता है. तो एक बार आप भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पढ़ाने से पहले ये जो आपके तीनों टॉपिक्स हैं एज कंप्यूटिंग डायरेक्ट मेटल्स एंड आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है ये, तो इसको आप एक बार दोबारा से रीड कर लें ठीक है एंड चाहें तो इनके नोट्स भी बना लें. तो ये तीनों टॉपिक्स आप एक बार और कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे. अब पढ़ते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन. तो ये आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर जो सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट एक कॉम्पेन लॉन्च किया गवर्नमेंट ने. एंड ये वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं कि फूड रैपर्स हो गए, प्लास्टिक शैशे हो गए, रैपर्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, स्टीयर्स हो गए एंड स्टायरोफॉर्म कप्स या फिर प्लेट्स हो गए. तो क्या ये मेजर्स एफिशिएंट हैं? तो इनके यूज़ को बैन करना मीन्स एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए ये सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी है. एंड अलॉन्ग विद एनी मूव टू इम्पोज अ बैन एक इक्वल इम्फेसिस भी होना चाहिए रिसाइकलिंग पर भी एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी. वेस्ट कलेक्शन की प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, सेग्रीगेशन की एंड वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम भी अच्छा होना चाहिए. अर्बन एरियाज के अंदर अवेयरनेस बढ़ानी होगी, एक सूटेबल कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव लाना होगा Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स के अंदर एंड रिमोट लोकेशंस के अंदर. ये मेजर्स ज़रूरी क्यों थे? तो ये ध्यान रखिए 25,940 टन हर दिन जनरेट हो रहा है कंट्री में, जिसमें से 40% अनकलेक्टेड है एंड 60 मिलियन टन्स जो है वो जनरेट किया जाता है सॉलिड वेस्ट का इन वन ईयर. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ये स्लोली स्लोली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज जिसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक एंड ये हजारों साल ले जाते हैं डिकम्पोज करने के लिए. तो ये तब तक ही हमारी सॉइल एंड वाटर को खराब करते हैं. जो नॉक्शियस केमिकल्स इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर होते हैं ये एनिमल टिश्यू में भी आ जाते हैं एंड फिर फाइनली ह्यूमन फूड चेन के अंदर भी आ जाएंगे. तो गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम जिसे इंट्रोड्यूस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में एंड इसको रीडिफाइन किया गया है PWM 2016 में, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टर्स एंड जो ब्रांड ओनर्स हैं उनको कहा गया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक शैसीज पाउचेज या फिर पैकेजिंग इनको यूज करेंगे मीन्स फॉर कलेक्शन ऑफ देम. नाउ चैलेंजेस क्या है? गवर्नमेंट हैज़ नॉट पुट इन प्लेस अ क्लियर रोड मैप. क्लियर रोड मैप नहीं रखा कि 2022 डेडलाइन को कैसे मीट करेंगे. जो गाइडलाइंस है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज जो है वो फेज आउट भी हो सकते हैं बाय 2022. अगर कोई जैसे एक दूसरा भी
प्रोग्राम है जैसे कि स्वच्छता ही सेवा इंडिया प्लॉग रन, सो फिट इंडिया प्लॉग रन ये भी लॉन्च किया गया, एंड प्लॉगिंग मीन्स पिकिंग अप लिटर वाइल जॉगिंग. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इंडिया फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट. तो मिजोरम गवर्नमेंट ने, ये हमने पहले करंट अफेयर्स में भी पढ़ा हुआ है, कि जो मिजोरम गवर्नमेंट है उन्होंने जो सेंटर का प्रपोज्ड अमेंडमेंट था इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आर्टिकल 371G को वो वॉयलेट कर रहा है. आर्टिकल 371G पार्लियामेंट का ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि पार्लियामेंट मिजोज सिविल एंड क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड जो है उनके सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मैटर पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उनके लैंड ओनरशिप ट्रांसफ़र पर, कस्टमरी लॉ पर, बिना असेंबली के कंसेंट के. इशू ये है कि मिजोरम ये आर्ग्यू कर रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के परव्यू के अंडर ही नहीं आता. जो मिजोरम फॉरेस्ट एक्ट है 1955 वही देखेगा कि स्टेट का फॉरेस्ट जो है वेदर इट इज़ इन लाइन विद कस्टमरी लॉज और नॉट. जो अमेंडमेंट्स की बात कही गई उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं. कम्युनिटी, कम्युनिटी में डिफाइन किया गया कि वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि स्पेसिफाइड हों ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी में रहते हों, जॉइंट पोजेशन हो, कोई कॉमन प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हों, एंड ऑब्वियसली विदाउट रिगार्ड टू रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर. फॉरेस्ट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या इंस्टीट्यूशनल लैंड जिसे रिकॉर्ड या नोटिफाई किया गया हो एज फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, एंड कोई भी लैंड जिसे मैनेज कर रही हो गवर्नमेंट या कम्युनिटी एज फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स. जो प्रैम्बल है IFA 1927 का वो यही कह रहा है कि जो एक्ट है इट वॉज फोकस्ड ऑन लॉज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द टैक्स ऑन इट, एंड जो अमेंडमेंट है वो फोकस जो है वो इसको इंक्रीज करेगी टू कंजर्वेशन, एनरिचमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मैटर्स कनेक्टेड दे आर विद इंक्रीज रोल ऑफ स्टेट. अमेंडमेंट्स का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से फील करेगी कि जो राइट्स हैं इट विल हैम्पर द कंजर्वेशन एफर्ट्स, देन द स्टेट मे कम्यूट सच राइट्स बाई पेइंग सच पर्सन्स अ सम ऑफ मनी और ग्रांट ऑफ लैंड या फिर कोई दूसरा मैनर जो कि उन्हें ठीक लगे, ताकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जा सके. तो ये आपने पॉलिटी की बुक में भी पढ़ा होगा, एक बार आपको इसको रीड ज़रूर करना पड़ेगा. जो अमेंडमेंट है वो एक न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट, एंड जैसे कि टिम्बर, पल्प, पल्प वुड, फायरवुड, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेडिसिनल प्लांट्स, इनके लिए हो गए. कंसर्न्स क्या हैं? ये जो बिल है अगेन री इन्फोर्स कर रहा है आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, एंड अगेन जो हार्ड लाइन पॉलिसिंग अप्रोच है एंड पैनलाइज करना एंटायर कम्युनिटीज को, देन फॉर डिकेड्स नाउ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक वैल्यूएशन यूज़ कर रहा है, उसी से रजिस्टर्ड है. इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स हो गई, देन आपका जो विलेज फॉरेस्ट्री है उसको एक्सक्लूड किया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट से, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड उससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है. ये ड्राफ्ट ये भी मेंशन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की राइट्स भी ले सकता है अगर गवर्नमेंट को फील होता है दैट इट इज़ नॉट इन द कंजर्वेशन ऑफ द प्रपोज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. नाउ मोसाइक, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपेडिशन. इंडिया के विष्णु नंदन ओनली इंडियन अब्रॉड जिन्होंने इसको मीन्स वही इसके अंदर आएंगे, ही विल बी द अब्रॉड जर्मन रिसर्च वेसल पॉलर स्टर्न एंड एंकर्ड ऑन अ लार्ज शीट ऑफ सी आइस इन द सेंट्रल आर्कटिक ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग विद इट ड्यूरिंग द पिच ब्लैक पोलर विंटर. तो मोसाइक है क्या, इसे हेड करता है एल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट इन जर्मनी. ये लार्जेस्ट एवर आर्कटिक एक्सपेडिशन होगा हिस्ट्री में एंड पहला होगा जो कि स्टडी को कंडक्ट करेगा ऑफ दिस स्केल एट द नॉर्थ पोल फॉर एन एंटायर ईयर. एम यही है कि पैरामेटराइज किया जा सके एटमोस्फेरिक, जियोफिजिकल, ओशियोनोग्राफिक एंड ऑल अदर पॉसिबल वेरिएशंस को इन द आर्कटिक, एंड ज्यादा मोर एक्यूरेटली फोरकास्ट किया जा सके चेंजेस को इन आवर वेदर सिस्टम्स.
जो इंटरनेशनल एक्सपेडिशन है वो मोर देन 60 इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करेगी फ्रॉम 19 कंट्रीज़. सो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम. सो वाई स्टडी एंड वाई अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजेस इन द आर्कटिक, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझना, वार्मिंग रेट्स जो हैं वो 2 गुने हैं ग्लोबल एवरेज से, एंड वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर इवन लार्जर. सो ये पॉसिबल है कि आर्कटिक ओशियन जो है वो आइस फ्री भी हो जाएगा इन समर ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी. जो ड्रामेटिक चेंज है उससे वेदर एंड क्लाइमेट पर असर पड़ता है पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चेंज होती है इन द आर्कटिक. नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रीन क्रैकर्स. तो CSIR ने, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेज ने, रिसर्च ने ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं जो कि पहले, मतलब जो साउंड एमिटिंग क्रैकर्स हैं या जो फायर वर्कस हैं उनका इम्प्रूव्ड वर्जन है. ग्रीन क्रैकर्स कम हार्मफुल हैं, कम डेंजरस हैं, एंड ये वो क्रैकर्स हैं जिनका एमिशन एंड डेसीबल लेवल भी कम होगा. एंड इनको ग्रीन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मुलेशन है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे एंड एमिशन लेवल एंड डस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. इससे जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, वो 30 से 35% कम होंगी. एंड जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको 25 से 30% वो सस्ते पड़ते हैं बनाने में एंड बनने में. नीड क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. एंड एक पिटीशन भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, थीन इन्फेंट्स ने की थी 2015 में, बाय देयर फादर्स आस्किंग फॉर अ कंप्लीट बैन. जो एयर पॉल्यूशन है वो 29 टाइम्स ज़्यादा हो गया है WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन नवम्बर 2016, जिन्होंने कहा कि NCR में फायर वर्कस को बिल्कुल सेल करना बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से 50% टोटल क्रैकर्स कोल्ड होने में भी फ़र्क पड़ा. जो कोर्ट है उन्होंने CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी पूछा एंड ORO से भी कि वो एक स्टडी करें कि किस तरीके से जो दशहरा एंड दिवाली के बाद जो बर्स्टिंग फायर वर्कस होते हैं उनका पीपल की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि दिवाली पर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होते हैं, मीन्स जिनकी जो विड्थ है वो 2.5 माइक्रॉन्स या फिर लेस होती है, एंड वो लेवल अप हो गया है एंड लेस फायर वर्क से 2017 में, जिसके थ्रू लेवल भी कम हुआ. नाउ ये आप कलर देख सकते हैं रेड. अगर रेड कलर होता है इट मींस उसके अंदर स्ट्रॉन्टियम सॉल्ट्स हैं, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ स्ट्रॉन्टियम. अगर ऑरेंज है तो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, येलो है तो सोडियम सॉल्ट्स हैं, ग्रीन है तो बेरियम सॉल्ट्स हैं, ब्लू है तो कॉपर सॉल्ट्स हैं, एंड पर्पल है तो कॉपर एंड स्ट्रॉन्टियम का मिक्स है, वाइट है तो मैग्नीशियम, एलुमिनियम एंड टाइटेनियम है. तो इसको आप लिख कर लर्न कर लीजिए. स्टबल बर्निंग पढ़ते हैं. जो यूनियन मिनिस्ट्री है अर्थ साइंसेस की, उन्होंने एक एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्निंग वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे जो दिल्ली है एंड उसके आसपास जो प्लेसेस हैं उनका प्रिडिक्ट किया गया कि क्रॉप रेजिड्यू जो वो बर्न कर रहे थे, एंड स्पेशली ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, कि वहाँ पर किसकी उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन बढ़ा है दिल्ली के अंदर. तो ये सिस्टम डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी पुणे ने अंडर MOES, एंड पिछले 15 सालों में जो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स हैं उनको पढ़ा गया, एंड इस डाटा को यूज़ करके जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है उन्होंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे मैप्स क्रिएट करे कि गवर्नमेंट एजेंसीज को अलर्ट किया जाए अबाउट द एरियाज वेयर द चांसेस ऑफ स्टबल बर्निंग इज गोइंग टू बी हाई. सो इससे पॉल्यूशन लोड देखा जाएगा. सो इससे पॉल्यूशन लोड को ट्रैक किया जा सकता है इन प्लेसेस नेबरिंग द नेशनल कैपिटल यूजिंग सैटेलाइट डाटा, एंड ये प्रिडिक्ट भी कर सकता है एयर पॉल्यूशन लेवल को फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. एंड जैसे जो आपके PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, एंड डस्ट जो कि सोर्सेस से आता है अदर देन स्टबल बर्निंग. अथॉरिटीज़ को भी हेल्प करेगा कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं टू कंट्रोल पॉल्यूशन लेवल एज वेल एज मिटिगेट पॉल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज. हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो एयर क्वालिटी होती है दिल्ली में या नेबरिंग स्टेट्स में वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि फार्मर्स जो रेजिड्यू बर्न करते हैं अपने पैडी को हार्वेस्ट करके, अपनी फील्ड को क्लियर करने के लिए एंड वीट को ग्रो करने के लिए. तो बैन है बर्निंग करने में एग्रीकल्चर रेजिड्यू, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा से स्मोक आता है दिल्ली में,
एंड स्टबल बर्निंग एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है फार्मर्स के लिए कि वो वीट ग्रो करने के लिए नवंबर के अंदर अपनी फील्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है पैडी को हार्वेस्ट करने में एंड वीट को सो करने में, जिसकी वजह से वो अपनी स्टबल बर्निंग कर देते हैं, मीन्स जो अपने खेती के अंदर जो रेजिड्यू होते हैं उनको जला देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड फार्मर्स स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, उनको नहीं पता कि वेस्ट के साथ कैसे मीन्स डील करना है, नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी कम इनकम है उनकी कि वो मीन्स कुछ किसी और एरिया पर जाएं एंड साइंटिफिक वेज को यूज़ करें। स्टबल बर्निंग किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो उनसे वीड्स मर जाते हैं, स्लग्स अदर पेस्ट किल हो जाते हैं, नाइट्रोजन टाई अप रिड्यूस हो जाता है एंड फील्ड जल्दी से क्लियर हो जाती है, तो एक चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है। दूसरे सॉल्यूशंस क्या हैं कि पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स बनाए जाएँ, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े, क्रॉप रेजिड्यूज़ को सॉइल में इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि सॉइल मॉइस्चर भी बढ़े, एंड रिमूव्ड रेजिड्यूज़ को एक ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट किया जाए थ्रू कंपोस्टिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएँ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जैसे कि यीस्ट प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड नीड ऑफ द आर यही है कि जब तक फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर प्रोवाइड नहीं करेगा फार्म मैकेनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, स्टबल बर्निंग को रोकना मुश्किल है। क्या करने की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इंसेंटिव्स देने होंगे उन लोगों को जो कि स्टबल को बर्न नहीं करते, एंड डिसइंसेंटिव होंगे उन लोगों के लिए जो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम होनी चाहिए एंड एक मीटिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए विद द स्टेट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट फ्लाई ऐश। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंटर का एंड अदर्स का कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इन सिंगरौली मध्य प्रदेश एंड सोनभद्रा उत्तर प्रदेश फ्रॉम डिस्पोजिंग फ्लाई ऐश, टॉक्सिक रेजिड्यू एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रिहांद रिजर्वर एंड अदर वाटर बॉडीज़। इशू क्या है? 35 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा फ्लाई ऐश गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांद रिजर्वर के अंदर आया एनटीपीसी स्टेशन सिंगरौली से, एंड ये रिजर्वर ही सिर्फ ओनली सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का जो सिंगरौली के पीपल एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के लिए, एंड पूरा वाटर जो है वो कंटामिनेट हो गया, कंजम्पशन के लिए बिल्कुल अनफिट हो गया। इस डैमेज की वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा, ग्राउंड वाटर भी डैमेज हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप्स भी एंड एग्रीकल्चर लैंड भी अनफर्टाइल हो गया। फ्लाई ऐश जिसे हम फ्ल्यू ऐश या पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी कहते हैं, ये एक कोल कम्बशन प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकुलेट्स होते हैं जो कि कोल फायर्ड बॉयलर से जो फ्ल्यू गैसेस के साथ मिल जाते हैं, एंड उनका सोर्स एंड कॉम्पोजिशन देखें तो जो कॉम्पोनेंट्स हैं फ्लाई ऐश के वो वेरी करते हैं अलग अलग, जैसे कि इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कोल बियरिंग रॉक स्ट्रेटा भी होता है। जो माइनर कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उस इसके अंदर आते हैं आपके आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, जो अनबर्नड कार्बन भी इसके अंदर होता है। इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? आप जैसे यूएस है तो वहाँ पर क्या करते हैं, फ्लाई ऐश को जनरली स्टोर किया जाता है कोल पावर प्लांट्स में एंड लैंडफिल्स में रखा जाता है, 43% रिसाइकल होता है एंड ऑफन यूज एज अ पोजोलन टू प्रोड्यूस हाइड्रोलिक सीमेंट और हाइड्रोलिक प्लास्टर, तो उसका सीमेंट एंड प्लास्टर भी बना देते हैं एंड रिप्लेसमेंट कर देते हैं पोर्टलैंड सीमेंट से। जो मॉडर्न कोल फायर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे फ्लाई ऐश को कैप्चर किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर से एंड दूसरे पर्टिकुलेट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट से, इससे पहले कि फ्ल्यू गैसेस चिमनीज तक पहुँचें। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स क्या हैं? दोबारा से इसमें टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, जो कि बहुत टॉक्सिक है नेचर के अंदर। देन आपका रेडिएशन, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्लाई ऐश के अंदर 100 टाइम्स मोर रेडिएशन होती है देन न्यूक्लियर वेस्ट। वाटर भी पॉल्यूट होता है, एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन होता है, क्रॉप यील्ड्स कम होती हैं, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है जैसे कि रन ऑफ कच्छ के अंदर। एंड फ्लाई ऐश को यूज़ किया जा सकता है, कॉन्क्रीट बनाया जा सकता है उससे, एंड फ्लाई ऐश जो है वो रिप्लेस कर सकता है एग्रीगेट को इन कॉन्क्रीट मिक्सचर, एम्बैंकमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चरल फिल्स बनाए जा सकते हैं, सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन की जा सकती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट सॉइल्स
रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, एक एग्रीगेट सब्स्टिट्यूट मटेरियल बनाया जा सकता है. देन इशूज़ विच इम्पीड इट्स फुल स्केल अर्बनाइजेशन यूटिलाइजेशन इन इंडिया, तो इंडियन फ्लाई ऐश जो है वो कैल्सेरियस है, मीन्स क्लास सी वेराइटी का होता है. नॉट ओनली पोजोलैनिक बल्कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती है, मीन्स सेल्फ सीमेंटिंग. जो यूरोपियन फ्लाई ऐश है वो सिलिकस क्लास एफ कैटेगरी का होता है, मीन्स उसके अंदर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती. जो फ्लाई ऐश का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है. एंड जो इम्परफेक्शन टिपिकल है ऑफ क्वासी मार्केट्स, जैसे कि इन्फॉर्मेशन असिमेट्री हो गई, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, तो उससे फ्लाई ऐश को भी फर्क पड़ता है. नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन टास्क. देखिए आज का जो वीडियो है उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करने होंगे, बिकॉज दीज आर मोर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक. सो मेरा ये जो है, मेरा ये थोड़ा वीकर सेक्शन है साइंस एंड टेक, बिकॉज साइंस एंड टेक मैंने 10th में छोड़ दी थी एंड मैंने 11th एंड 12th के अंदर कॉमर्स लिया था. तो मुझे थोड़ा सा मीन्स इसको समझने में एंड समझाने में थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स से एंड अगर आप आर्ट्स से होंगे तो आपको ये रिवाइज़ करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि एनवायरनमेंट हो गया आपका, साइंस टेक हो गया, तो उससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं पेपर के अंदर. तो इसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, खास करके जो कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं. तो उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ रीड द PDF केयरफुली एंड ट्राई टू मेक सम रनिंग नोट्स एज वेल. सो कुछ स्ट्रिक्टर मेजर्स लेने होंगे एयर पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए, एंड जो कि एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पार्ट होगा. अगेन डीजल जनरेटर सेट्स को यूज़ को स्टॉप करना है, दैट विल एक्सटेंड बियॉन्ड दिल्ली टू द NCR, जहाँ पे काफ़ी एरियाज़ में रेगुलर पावर कट्स हैं. तो जब बिजली भी चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है. आप थोड़े गाँव के एरिया में जाएंगे एंड देखेंगे कि कितनी गर्मी में भी बिना बिजली के पूरी दोपहर रहना, पूरा मीन्स नून निकालना. एंड कभी जाकर देखिए, क्योंकि मैं कभी जाती हूँ तो इट बिकम वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा. तो ये प्रॉब्लम कहीं भविष्य में हमारे साथ ना हो जाए, इसीलिए अभी से ही अच्छे मेजर्स लेने की ज़रूरत है. तो ग्रैप ग्रैप जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अप्रूव कर दिया था. ये एक इमरजेंसी मेज़र था एंड एज सच जो प्लान है वो इंक्लूड नहीं करता वो एक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेते हैं टू बी टेकन थ्रू आउट द ईयर, ताकि वो इंडस्ट्रियल वहीकुलर एंड कंबशन एमिशंस को देख सकें. जब एयर क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर पर चली जाएगी तो कुछ मेजर्स हैं लिस्टेड हैव टू बी फॉलोड सिंस द प्लान इज़ इंक्रीमेंटल इन नेचर. तो येस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है फॉर द दिल्ली NCR रीजन. ये सक्सेसफुल रहेगा अकाउंटेबिलिटी एंड डेडलाइंस को फिक्स करने में. कोऑर्डिनेशन होगी एज मैनी एज 13 एजेंसीज फ्रॉम ऑल द 4 स्टेट्स. एंड जो 3 मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं EPCA के, ग्रैप के, जैसे कि क्लोज कर दिया गया एक थर्मल पावर प्लांट बदरपुर पर, BS6 फ्यूल लाए गए दिल्ली में, एंड पेटकोक को बंद कर दिया गया. तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए. तो ये प्लान जो है इसके लिए एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए 13 डिफरेंट एजेंसीज में इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान. हेड ऑफ़ द टेबल जो रहेगा वो EPCA रहेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है. एंड मेजर्स को इम्पोज करने से पहले EPCA को एक मीटिंग रखनी होगी NCR स्टेट्स के साथ एंड देन दे हैव टू टेक अ डिसीजन. मेजर्स अनाउंस्ड एक तो है आपका सेवरे प्लस इमरजेंसी, मीन्स आपका जो PM है वो 2.5 ओवर हो जाए 300 के क्यूबिक मीटर के, एंड या फिर PM10 ज़्यादा हो जाए 500 क्यूबिक मीटर से अबव 48+ आवर्स के लिए. तो इसमें ट्रक्स की एंट्री रोक दी गई, कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया, ऑड इवन स्कीम एंड टास्क फोर्स डिसाइड किए गए कि किस तरीके से स्कूल्स को भी शट किया जाए. तो ये आप थोड़ा इनके नोट्स बना ले कि जब PM 2.5 है तो ब्रेक लाइंस को बंद कर देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना है, वेरी पुअर है तो डीजल वगैरह हो गए, मॉडरेट टू पुअर है तो हैवी फाइन लगाना होगा गार्बेज बर्निंग के लिए.
ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट हिंदू कुश, दैट इज हिमालयन रीजन एंड क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज का असर देखा गया हिंदू कुश माउंटेन्स पे भी, हिमालयाज में भी. एंड इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो चाइना एंड पाकिस्तान के मीटरोलॉजिकल एजेंसीज के साथ कोलेबोरेट भी कर रहा है ताकि क्लाइमेट फोरकास्ट सर्विसेज दी जा सकें टू कंट्रीज इन द रीजन. तो ये आप देख सकते हैं हिंदू कुश हिमालय एंड मेजर डाउन स्ट्रीम रिवर बेसिन्स. तो ये आपको डायग्राम जो है वो दिख रही होगी. तो यहाँ पे देख सकते हैं चार ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं आइस के आउटसाइड पोलर रीजन. ये एक सोर्स है 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम्स का. यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, हाई बायोडायवर्सिटी है, 330 इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज भी हैं. 240 मिलियन पीपल जो हैं वो इस पर डिपेंड हैं. 1.9 फूड वाटर एंड एनर्जी के लिए, 35% से भी ज़्यादा इको सिस्टम सर्विसेज के लिए. हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है वो 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में है. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा स्नो एंड आइस रहती है बाकी सभी एरियाज से, इसलिए इसका नाम दिया गया है थर्ड पोल. वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, 14 पीक्स हैं 8,000 मीटर से भी ऊंची, 10 मेजर रिवर्स भी हैं. जो थर्ड पोल रीजन है यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज़ बहुत हैं, 600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ यहाँ पर बोली जाती हैं. रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक वाइड रेंज ऑफ इको सिस्टम सर्विसेज है एंड 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग फूड एंड एनर्जी से बेनिफिट उठा रहे हैं. थर्ड पोल एंड क्लाइमेट चैलेंज, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मेजर कंसर्न बन गया है. माउंटेन सिस्टम यहाँ का बहुत सेंसिटिव हो गया है. रिवर सिस्टम में चेंज होने की वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है. जो रेट ऑफ वार्मिंग है वो ज़्यादा है. क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो साउथ एशिया है वो 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, जबकि कुछ एरियाज़ में जो वार्मिंग है वो 3.5 से 4 डिग्री तक भी बढ़ जाएगी. जो लाइफ है, जो लाइवलीहुड्स हैं यहाँ के पीपल की, वो चैलेंज हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नाउ थ्रेट्स एंड चैलेंजेस जो बायोडायवर्सिटी फेस कर रही हैं कि एक तो डिक्लाइन हो रहे हैं एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से बायोडायवर्सिटी और ज़्यादा ख़राब हो रही है. एनवायरमेंटल सर्विसेज जो हैं वो लॉस हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसको लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस का भी, हाइड्रो पावर को बहुत खतरा है एंड न्यू ट्रेड रूट्स जो होंगे अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनसे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिमोट रीजन्स के लिए. तो इसलिए ताकि जो इलीगल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी लेकिन इससे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होगा. जो 40% रीजन है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है एंड मैनी ऑफ जो एरियाज़ हैं वो रिमोट एंड अथॉरिटीज़ का बहुत ही कम कंट्रोल है, जैसे कि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट जहाँ पे कन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है. तो थर्ड पोल एनवायरनमेंट एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम यही है टिबेटन प्लेट्यू एंड जो सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके. नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना. तो सेंटर ने एक एम्बिशियस प्लान क्रिएट किया है ग्रीन वॉल ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए. तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, एंड शील्ड अगेंस्ट डेजर्ट. तो 1400 किलोमीटर लॉन्ग है, 5 किलोमीटर वाइड, जो कि गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जा रही है. ग्रेट ग्रीन वॉल एंड रन कर रही है थ्रू द विड्थ ऑफ अफ्रीका फ्रॉम डाकर सेनेगल टू डिजिबोटी, ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जा सके, डेजर्टिफिकेशन को. एक लीगेसी प्रोग्राम होगा जो कि लैंड डिग्रेडेशन से डील कर सकता है एंड ईस्टवर्ड मार्च ऑफ द थार डेजर्ट. रिस्टोर करने की बात की जा रही है 26 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड लैंड को बाय 2030. एंड जो ग्रीन बेल्ट है वो सिर्फ कॉन्टेजियस ही नहीं होगी बल्कि ये एंटायर डिग्रेडेड अरावली रेंज को भी कवर करेगी थ्रू अ मैसिव अफॉरेस्टेशन एक्सरसाइज. तो लीगेसी प्रोग्राम है जिससे ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है वो कन्वर्ट होगा एज अ ग्रीन बेल्ट इन हाई इंटेंसिव लैंड डिग्रेडेड स्टेट्स. एंड सिर्फ जो डिग्रेडेड लैंड है थ्रू एफोरेस्टेशन वो ही नहीं काम करेगा, बट अलॉन्ग विद द अरावली हिल रेंज जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली से जाती है एंड बैरियर की तरह काम करती है फ्रॉम द डेजर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इंडिया अभी 96.4 MHA ऑफ डिग्रेडेड लैंड है, जो कि 29.3% है पूरी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के.
एंड जो डेजर्टिफिकेशन और जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस है इंडिया का, जिसे ISRO ने 2016 में लाए थे, तो उन्होंने रिवील किया कि गुजरात, राजस्थान और जो दिल्ली है वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा एरिया डिग्रेडेड है एंड डेजर्टिफिकेशन का वहाँ पर खतरा भी है। C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन तो ये अनवील्ड हो गई है एट C40 वर्ल्ड मेयर समिट इन कॉपेनहेगन। एक इवेंट हुआ था जो कि हर 3 साल में होता है एंड सब्सटेंसिटिव क्लीन एयर पॉलिसीज अपनाई जाने की बात कही जाती है बाय 2025। इस डिक्लेरेशन के थ्रू जो मेयर्स होते हैं वो अपनी पावर एंड इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा सके। तो सेल्फ एम्बिशियस पॉल्यूशन रिडक्शन टारगेट्स हैं जो कि विद इन 2 ईयर्स कम्प्लीट करने हैं, क्लीन एयर पॉलिसीज बाय 2025 एंड पब्लिकली रिपोर्ट करनी है प्रोग्रेस ऑन अचीविंग दिस गोल्स। अगर 35 सिग्नेटरीज PM2.5 लेवल को कम कर पाएंगे तो उससे 40,000 डेथ्स हर साल बचेंगी। C40 रिसर्च ये भी शो करता है कि अगर सभी C40 सिटीज़ अपने ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री को क्लीन कर दें तो इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी 87% कम होंगे, PM2.5 भी 50% कम होंगे एंड 2,20,000 जो प्री मेच्योर डेथ होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। डेली ऑड इवन रूल आपको पता होगा, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ, ये जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था ये बीजिंग में हुआ था 2008 में समर ओलंपिक से पहले। ठीक है, नाउ वी विल रीड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो सेंटर ने क्लैरिफाई कर दी है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड जो क्लैरिफिकेशन दी है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने, तो स्टेट्स नीड नॉट टेक द सेंटर्स अप्रूवल टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनक्लासिफाइड लैंड एज फॉरेस्ट। तो क्या कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डेफिनेशन की ज़रूरत है? तो 2014 से ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो लीगल डेफिनेशन फॉरेस्ट की इवॉल्व कर रहे हैं एंड ड्राफ्ट भी बना रहे हैं, बट कभी भी पब्लिक नहीं हुए। तो फॉरेस्ट को डिफाइन कैसे किया गया? वो फ्रीडम जहाँ पे लैंड जो कि ऑलरेडी क्लासिफाइड नहीं हो बाय द सेंटर एंड स्टेट रिकॉर्ड्स एंड फॉरेस्ट हैज़ बीन प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट सिंस 1996 एंड स्टेम्स फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसे कहा गया गोडा वर्मन जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बढ़ा दी ताकि जो लैंड्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जा सके दैट वर ऑलरेडी नोटिफाइड बाई द सेंटर एज फॉरेस्ट एंड दैट अपियर इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज फॉरेस्ट एज वेल एज दोज दैट फेल इन द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो लेटर क्लोज है वो इंक्लूड करता है स्टेट्स को भी कि वो अपना खुद का क्राइटेरिया एंड खुद से डिफाइन कर सकते हैं ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को एज फॉरेस्ट। नाउ ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि कंट्री के पास 16 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए जब भी कोई स्टेट किसी क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करती है तो इट कुड नॉट बी रिवर्स्ड, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो स्टेट ऑफन ये क्लेम करती है कि भाई वो हेल्पलेस हो जाते हैं, इनक्रोचमेंट नहीं मिल पाती उन्हें, क्योंकि एक बार मिल गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट ड्राफ्ट नेशनल रिवर गंगा बिल 2018। तो अगले 2 महीने में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेंटर के इकोलॉजिकल फ्लो नोटिफिकेशन को नहीं मान रहे एंड की टू इंश्योर अ मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर, उनको क्लोज किया जा सकता है। तो सेंटर का जो इकोलॉजिकल फ्लो नोटिफिकेशन है वो लास्ट अक्टूबर से इफेक्ट में आ गया है एंड कंपनी को 3 साल दिए गए हैं कि वो अपने डिज़ाइन प्लान्स को मॉडिफाई करें। तो नेशनल रिवर गंगा रेजुविनेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बिल 2018 के हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। सो ये बिल ने प्रपोज किया है कि सभी जेटिस का जो कंस्ट्रक्शन है उसे बैन किया जाए, पोर्ट्स का या परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का गंगा के अंदर, जब तक उसे गंगा नेशनल गंगा रेजुविनेशन अथॉरिटी परमिट ना करे। एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जिससे कि हेल्थ जो है 250 किलोमीटर जो लंबी गंगा है उसको सुपरवाइज किया जा सके। एक रेस्ट्रिक्शंस होंगी ताकि एक अनइंटरप्टेड एंड इकोलॉजिकल फ्लो हो सके रिवर का एंड जो अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। जो आर्म्ड गंगा प्रोटेक्शन कॉप्स होंगे एंड पर्सोनल उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जो GPC पर्सोनल होगा उनके पास पावर भी होंगी कि वो उन लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं जो कि रिवर को पॉल्यूट करेंगे। तो ये आप थोड़ा डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप देखिए कि किस तरीके से जो डैम्स होते हैं वो रिवर इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। फ्री फ्लोइंग एक होते हैं, फ्री फ्लोइंग और एक होते हैं डैम रेगुलेटेड रिवर। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द, ये आपकी है फ्री फ्लो, ये आप देखेंगे ये आपकी फ्री फ्लो है
एंड ये है आपकी डैम्ड। तो आप डैम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके फ्लड इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं, ये आपके नेटिव स्पीशीज़ हैं, एंड यहाँ आपके नॉन नेटिव फिशेज़ हैं, एंड ये आपके नॉन नेटिव एंक्रोचिंग है। तो एक बार इसको आप तो अपने आप नेट से डाउनलोड करके अच्छे से देख लें। नाउ जो बिल है उन्होंने ऑफेंसेस भी बताए हैं जो कॉग्निजिबल होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करना, विड्रॉल करना ग्राउंड वाटर को फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंजम्पशन, कमर्शियल फिशिंग या फिर एक्वा कल्चर, एंड डिस्चार्ज करना अनट्रीटेड और ट्रीटेड सुवेज को इन टू द रिवर, एंड मैप ऑफ गंगा रिवर वाटर क्वालिटी जो रिप्रेजेंट की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अगस्त 2018 में, तो सिर्फ 5 में से ही 70 स्टेशन्स में से 5 में से ही फिट हैं ड्रिंकिंग एंड 7 फॉर बाथिंग। नाउ वी विल रीड अबाउट ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट जिसे रिलीज किया सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव ने। तो सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। ये एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी 55 पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो एक सिंगल कंट्री नहीं बल्कि सभी डेवलप्ड डेवलपिंग उन सभी को सस्टेनेबिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। जैसे कि यूएन ने बोला है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आउट परफॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड जो गैप है वो यही है कि एयर पॉल्यूशन सेफ्टी एंड ज़्यादा बर्डन है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ग्लोबल मोबिलिटी सिस्टम के ऊपर भी स्ट्रेस है। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग या 1/3 ऑफ द ग्लोबल रूरल पॉपुलेशन के पास ही एसेस है वेदर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। तो ज़रूरत क्या है करने की, सभी जो सभी ट्रांसपोर्ट एसेस गैप हैं रूरल एरियाज़ में वो कम करने होंगे, बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाना होगा, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा ताकि जो जीडीपी है वो भी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ सके। पॉल्यूशन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर करता है उसको कम करना होगा एंड ताकि जो एडिशनल 1.6 बिलियन पीपल हैं वो क्लीनर एयर ब्रीथ कर सके। तो एक आपका है GRA, दैट इज़ ग्लोबल रोड मैप फॉर एक्शन। ये रिपोर्ट जो है चार्टेड अ ग्लोबल रोड मैप फॉर एक्शन जो कि एक कैटलॉग ऑफ पॉलिसी मेजर्स देती है जिसे यूज़ एंड टेस्ट किया गया अराउंड द वर्ल्ड फॉर पॉलिसी गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज़ यूनिवर्सल एसेस, एफिशिएंसी, ग्रीन मोबिलिटी एंड सेफ्टी। ये कंट्रीज़ को हेल्प करेगा ताकि गैप्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, स्टेप्स लिए जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके बाय 2030। तो ये जो GRA है ये 3 तरीके से काम करता है। एक तो मोबिलिटी परफॉर्मेंस का चार्ट बनाता है 183 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का। एक कैटलॉग प्रोवाइड करता है सूटेबल पॉलिसी मेजर्स का जिन्हें यूज़ किया जा सकता है एंड टेस्ट किया जा सकता है अराउंड द वर्ल्ड, एंड ले डाउन करता है एक मेथोडोलॉजी को ताकि एक्सट्रैक्ट हो सकें फ्रॉम दिस कैटलॉग ऑफ पॉलिसीज दोज मेजर्स दैट आर मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड रेलिवेंट टू अ कंट्रीज़ कॉन्टेक्स्ट। नाउ वी विल रीड अबाउट UNEP कोलंबो डिक्लेरेशन। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मेंबर स्टेट्स ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है एक कोलंबो डिक्लेरेशन जो कि ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज को टैकल करने की बात कह रहा है। कोलंबो डिक्लेरेशन को डेवलप किया गया है इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम के टेक्निकल सपोर्ट के साथ जो कि एक जॉइंट एक्टिविटी है UNEP की एंड इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव की, एंड इसे सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। एम यही है कि 2030 तक जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसे आधा करना है। एक कंपेन चलाया गया नाइट्रोजन फॉर लाइफ जिसके थ्रू सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट रिजोल्यूशन लिया गया जिसे 4th सेशन के दौरान अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में 11 से 15 मार्च 2019 में, एंड UNEP के जो हेडक्वार्टर्स हैं नैरोबी केन्या के अंदर। नाउ नाइट्रोजन जो है वो एक पॉल्यूटेंट के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम न्यूट्रिएंट एंड उससे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे कैसे फ़र्क पड़ता है, तो देखिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट वी आर चेंजिंग इट टू फॉर्म्स, हम उसे ऐसे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है एंड एनवायरनमेंट को ओवरलोड कर रहा है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं दे रनिंग ऑफ फार्म लैंड है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 80% जो नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ह्यूमंस, एंड 4/5
को ज़रूरत होती है 4/5 नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए, एंड उनके पास सिर्फ 6% ही पहुंच पा रहा है. सो दैट्स वाई. एंड नाइट्रोजन एक पॉल्यूटेंट है व्हेन इट एस्केप्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट्स विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी जो नाइट्रेट कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे ब्लड फंक्शन भी कमी होती है, कैंसर हो सकता है, एंडेमिक गोइटर्स भी हो सकते हैं. नाउ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, तो सेंटर ने एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट 1813.75 करोड़ का दे दिया है कर्नाटका एंड बिहार की स्टेट को, क्योंकि इन्होंने मांगे थे एंड दे रिजल्ट इन डिले, क्योंकि वो रिलीफ असिस्टेंस नहीं दे पाए थे अफेक्टेड पीपल को, एंड इन्होंने एडिशनल एडवांस्ड एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगा था. तो NDRF डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 46 में इंक्लूडेड है. ये एक फंड है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है फॉर मीटिंग द एक्सपेंसिस फॉर एमरजी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ड्यू टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन. नाउ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सप्लीमेंट द फंड्स ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स, एंड जो नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंसी फंड है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. ये कब किया गया था? 2005 में. किस लिए यूज़ किया जाता है? जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे एकदम से कहीं पर बाढ़ वगैरह आ जाए तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के खर्चों को मीटअप करने के लिए, मिटिगेशन के लिए. एंड इसके सोर्सेज कहाँ हैं, से हैं फाइनेंस के, तो सेस लगाया जाता है सर्टेन आइटम्स पर एंड इट इज़ चार्जेबल टू एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, एंड इसे एनुअली अप्रूव करवाना होता है थ्रू द फाइनेंस बिल. जो रिक्वायरमेंट है ऑफ फंड्स बियॉन्ड व्हाट इज़ अवेलेबल अंडर द NDRF इज़ मेट थ्रू जनरल बजटरी रिसोर्सेज. करंटली एक नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंसी फंड भी है जो कि NDRF को फाइनेंस करेगा एंड एडिशनल बजटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी. की फीचर्स क्या है NDRF के? ये लोकेटेड है इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट. एंड जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी NDRF के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो CDRI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज को जनरेट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है डिज़ास्टर के लिए एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए. इसके फ़ायदे सोसाइटी के सभी सेक्शंस को होंगे, खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, सभी एरियाज़ को बेनिफिट मिलेगा जहाँ पे हाई डिज़ास्टर रिस्क है. इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न या जो हिमालयन रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, उन्हें फ़ायदा होगा. ठीक है, केस स्टडी आप एक ये ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया था, साइक्लोन फानी आया था उड़ीसा के अंदर मई में, जिसकी वजह से $4 बिलियन का नुकसान हुआ था, एंड केरला फ्लड्स में भी लॉस हुए 4.4 बिलियन से भी ज़्यादा. एंड US के अंदर 10 क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर्स आए जिससे लॉस $1 बिलियन से भी ज़्यादा हुआ. इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन ये बनाया जाता है 13 अक्टूबर को. थीम इसकी है रिड्यूस डिज़ास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज. 1989 में UN जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिससे अक्टूबर के 2nd वेडनसडे को इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन के रूप में मनाया गया. एंड 21 दिसंबर 2009 को असेंबली ने एक नया रिजोल्यूशन पास किया कि अब 13 अक्टूबर को हम ये डे मनाएंगे, एंड इसका नाम भी रख दिया इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन. मेन ऑब्जेक्टिव यही है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरीके से वो डिज़ास्टर के रिस्क से निजात पा सकते हैं. सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई जो फ्रेमवर्क है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030, ये तीसरे UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन विच वॉज हेल्ड इन सेंडाई जापान इन मार्च 2015. सेंडाई फ्रेमवर्क के की फीचर्स क्या है? ये पहला मेजर एग्रीमेंट था पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा में, जिसमें 7 टारगेट्स एंड 4 प्रायोरिटीज़ थी. इसे इंडोर्स किया था UN जनरल असेंबली ने, एंड ये फ्रेमवर्क 15 साल के लिए था. इसका इम्प्लीमेंटेशन यही है कि इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लेने हैं ताकि वल्नरेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके टू डिज़ास्टर, प्रिपेयरनेस को बढ़ाना है फॉर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंस. नाउ FATF, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ FATF ने पाकिस्तान को स्लैम कर दिया है फॉर फेलिंग टू टेक एक्शंस अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं FATF, इसको आप पुरानी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा.
नाउ रिहैबिलिटेशन पैकेज टू 5300 जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़। तो कैबिनेट ने 5300 जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, रिहैबिलिटेशन पैकेज के अंदर उन्हें इंक्लूड किया है एंड इसे अप्रूव किया था कैबिनेट ने 30 नवंबर 2016 को, ताकि जो डिस्प्लेस्ड फैमिली हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की एंड छम्ब की, अंडर द पीएम डेवलपमेंट पैकेज 2015 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो इन फैमिलीज़ ने इनिशियली यही ऑप्ट किया था कि वो आउटसाइड चले जाएंगे जम्मू कश्मीर के, बट वो वापस वही रिटर्न हो गए एंड वहीं सेटल हो गए। तो इस अप्रूवल से जो डिस्पोजेबल जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 5.5 लाख का, एंड उन्हें एक रीजनेबल मंथली इनकम भी मिलेगी, एंड जिससे गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी अपग्रेड की करनी होगी ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। तो एक जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया से जम्मू कश्मीर के अंदर आ गई थी, एंड इंडो पाक की वॉर हुई जब 1965 एंड 1971 में, तो लार्ज नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ डिस्प्लेस हो गई थी फ्रॉम छम्ब नियबत एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड जो सीरीज थी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज की, उसे एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने एंड स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनका मिटिगेशन किया जा सके। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो वाइस प्रेसिडेंट ने अपील किया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वो अर्ली कंक्लूजन को इंश्योर करें ऑफ यूएन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो सीसीआईटी है क्या, इसे ये एक प्रपोज ट्रीटी है जिसके थ्रू क्रिमिनलाइज किया जाता है उन सभी इंटरनेशनल टेररिज्म एंड डिनाई करता है उन टेररिस्ट को, फाइनेंशियर्स को, सपोर्टर्स को जो कि फंड्स लेते हैं, आर्म्स लेते हैं एंड सेफ हैवेंस। ये ड्राफ्ट प्रपोज किया था इंडिया ने 1996 में, बट अभी भी इसको अडॉप्ट नहीं किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो ये आप देख सकते हैं कंसर्न्स क्या हैं, एक तो यूएस प्लस एलाइज ओवर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, देन लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई जिन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज देव की वो इग्नोर हो रहे हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है टेररिज्म का, अगेन कोई भी चेंज जैसे कि इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया एंड पाकिस्तान, ये जो सभी कंट्रीज़ हैं ये वर्स्ट 5 में हैं, एंड जो कंट्रीज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट में उनकी ग्रेट अकाउंटेबिलिटी है फॉर मोर मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स एंड बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटीज। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो फॉर्मर जो जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका डिटेंशन किया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको जम्मू कश्मीर गवर्नर की रजामंदी चाहिए, एसेंट चाहिए थी 8 अप्रैल 1978 में। इस एक्ट ने एक टफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था ताकि जो स्मगलिंग है टिम्बर की वो रोकी जा सके। इस लॉ के थ्रू गवर्नमेंट किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि 16 से ज़्यादा उम्र का हो बिना ट्रायल के डिटेन कर सकती है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन भी हो सकती है 2 साल तक की। जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं उन्हें जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी इशू कर सकते हैं, एंड जो सेक्शन 22 है वो यही कहता है कि गुड फेथ के अंदर किया गया है। सेक्शन 23 ये कहता है कि जो रूल्स कंसिस्टेंट हों एंड विच आर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। इस लॉ को ड्रेकोनियन लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइडली मिसयूज्ड हुआ है एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अगस्त 2018 में इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें डिटेन किया जाता है अंडर द पीएसए आउटसाइड द स्टेट एज वेल, जो डिटेन्ड अथॉरिटी है उन्हें दे नीड नॉट डिस्क्लोज एनी फैक्ट्स अबाउट द डिटेंशन, एंड जो भी टर्म्स रहेंगी जिसके अंदर पर्सन को डिटेन किया जाएगा अंडर पीएसए वो वेग होंगी एंड ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है डिटेंशन का, सो दैट्स व्हाई। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट 2019, तो इससे जो गवर्नमेंट होगी वो इनेबल, ये सिंगापुर ने लॉन्च किया है ताकि जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको टैकल किया जा सके। तो ये आप इसके अंदर बस इतना ही ध्यान रखें, एंड ये आप देख सकते हैं स्टॉप कम्युनिकेशन डायरेक्शन, ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप कम्युनिकेशन डायरेक्शन। अगर कोई भी गिल्टी पाया जाएगा तो उसको $50,000 एंड 5 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज ने एंड राइट ग्रुप्स ने अपना कंसर्न शो किया है
कि फॉल्स स्टेटमेंट्स जो ऑनलाइन कर देते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड होती है, हेट स्प्रेड होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट्स का जो कम्युनिकेशन है उसको रोकने की बात इसके अंदर कही गई है। देन रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात की गई है, एंड जो रूल्स हैं उससे जो खतरे हैं इंडिविजुअल राइट्स के एंड नेशन इंटेग्रिटी के, सॉवरेनिटी के एंड सिक्योरिटी के, उसको कब आउट करने की बात कही गई है। तो ये आपका जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट उसके अंदर इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जिसे नोटिफाई किया गया आईटी एक्ट 2011 में, एंड आईपीसी के अंदर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू टेक डाउन कॉन्टैक्ट इफ़ दे आर डायरेक्टेड टू डू सो बाय अ कोर्ट और लॉ इन्फोर्समेंट। इसके अंदर जो आपके डिस्क्रिशन है वो भी अलाउड होगा कि अगर जो रिपोर्टेड पोस्ट है कहीं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट तो नहीं कर रही है, जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस होंगी, वेदर दे आर डेंजरसली क्लोज टू सेंसरशिप। तो इसीलिए है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। नौ, आधार को लिंक करने की क्या ज़रूरत है टू सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो जनवरी से ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस को सुन रहा है कि आधार को लिंक मत करो, एंड हमारी प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, जो कि 2017 एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर भी कही गई थी, क्योंकि एक चेक रखना फॉर द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, पोर्नोग्राफिक एंड एंटी नेशनल कंटेंट, जो गवर्नमेंट ने रेफ़र किया था ब्लू व्हेल गेम को, जो कि एक ऑनलाइन सुसाइड चैलेंज था जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेथ हुई थी रशिया एंड इंडिया के अंदर भी। तो ब्लू व्हेल चैलेंज में कंट्री गवर्नमेंट ने ये फाउंड किया था दैट इट इज़ हार्ड टू ट्रेस द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑनलाइन कॉन्टेंट। तो जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, वो दीज आर वो यूज़र्स की प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट नहीं कर सकते, एंड फेसबुक ने भी अपने आप को डिफेंड किया कि वो अपन जो 12 डिजिट आधार नंबर है उसको शेयर नहीं करेगा, एंड अगर एपेक्स कोर्ट के जो रूल्स हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को यही कहते हैं कि फेवर मतलब आधार को लिंक किया जाए तो ये प्राइवेट कम्युनिकेशंस को एंड कर देगा, एंड गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया को सर्वेलेंस टूल्स की तरह यूज़ करने लगेगी। कोर्ट ने 20 अगस्त 2019 को कहा कि एक बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है राइट ऑफ प्राइवेसी में एंड राइट ऑफ स्टेट में भी, कि भाई उनको पास भी हक है हेटफुल मैसेजेस का ओरिजिन जानने के लिए। तो अगस्त 21 को मद्रास हाई कोर्ट ने जो ओरिजिनल प्रेयर थी उसको तो डिसमिस ही कर दिया था। अब ये राइट मूव क्यों नहीं है, क्योंकि साइबर स्पेस एक ओशियन है, एंडलेस है, लिमिटलेस है। आधार के पास सभी इंफॉर्मेशन होती है बैंक अकाउंट से लेके, एंड आधार अकाउंट को अगर आप उसके साथ लिंक कर देंगे तो उससे जो हमारी राइट्स हैं उनको जिओपार्डाइजिंग होती है। तो फ़ोन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, KYC का ऑप्शन रख सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें फोकस करना चाहिए रिसर्च पे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनानी चाहिए ताकि वर्चुअल स्पेस जो है वो सेफ़ हो सके एंड नॉट ओपन अवर डाटा फॉर एनी मिसयूज़। तो ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है। आप सोचते होंगे कि हम बहुत पढ़ते हैं एंड कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ और भी काफ़ी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एंड जो अपनी मेहनत में कंसिस्टेंट रहेगा, रेगुलर तरीके से मेहनत करेगा, वही एट लास्ट में इसकी तरह कूदेगा। तो अगर आपको इसकी तरह कूदना है तो आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी, ठीक है। 2 पेजेस और करेंगे ताकि हमारे पूरे 30 पेजेस हो जाएं नेशनल, एंड दीज आर द फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स स्टार्ट हो गए हैं। सो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये सेटअप की। कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होंगे, दूसरे मेंबर्स में क्या होंगे, सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज होंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशंस इसकी मेंबर्स भी हो सकती हैं। ये डायरेक्शन देगा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को एज डीम्ड नेसेसरी। ब्रह्मोस मिसाइल, ये जो इट फ्लाइज ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, मीन्स Mach 2.8, एंड इसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है। इसे रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप किया गया है, एंड ब्रह्मोस मीन्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस्क रिवर के नाम के बाद इसका नाम रखा गया। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, एंड जो रेंज होगी इसकी वो 400 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब इतनी तक हो सकती है। एंड इंडिया जो है वो भी इसका फुल टाइम मेंबर बन गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम का इन 2016। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म होगा, ये भी ध्यान रखिए, ये लैंड, एयर एंड सी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है, एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी रहती है इसकी, डे एंड नाइट
कोई भी वेदर कंडीशन हो बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। एंशियंट बरिड रिवर, तो यूनियन वाटर मिनिस्ट्री ने एक पुरानी सूखी रिवर पाई है प्रयागराज फॉर्मरी अराबाद के अंदर, जो कि गंगा एंड यमुना रिवर को लिंक करती है। जो एंशियंट बरिड रिवर है वो 4 किलोमीटर चौड़ी, 45 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर थिक लेयर है जो कि सॉइल के नीचे बरिड मिली। एंड जो न्यूली डिस्कवर्ड रिवर है वो एक बरिड पैलियो चैनल है जो कि यमुना रिवर को ज्वाइन करता है एट दुर्गापुर विलेज अबाउट 26 किलोमीटर साउथ ऑफ करंट गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस एट प्रयागराज। नाउ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 94th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ये सिर्फ विमेन कॉप्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। 28 मार्च 1888 में ये बने थे। पहले बैच के अंदर 10 क्वालिफाइड ब्रिटिश नर्सेस थी इन बॉम्बे नाउ मुंबई। एंड 1893 में इसे डेजिग्नेट किया गया एज इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस एंड 1902 में एज क्वीन अलेक्जेंड्रा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। 1940 में फर्स्ट टाइम नर्सेस को एनरोल किया गया इंडिया में एंड उन्हें QAMNS के अंदर अटैच किया गया। 1 अक्टूबर 1926 को एक परमानेंट नर्सिंग सर्विस इंडियन ट्रूप्स के लिए बनाई गई एंड उसका नाम रखा गया इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। नाउ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो MHRD ने डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन की एक ऑटोनॉमस बॉडी, इसको प्रमोट डेवलप एंड प्रोपोगेट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज को 1 अप्रैल 1996 से स्टार्ट हुई थी। एक नेशनल नोडल एजेंसी है उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट उर्दू अकेडमीज़ का एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी। नाउ नेक्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, तो ये एक ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD के अंदर, इसको बनाया गया है। रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1860 ऑन 26 मई 1994 अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 1085 वडोदरा गुजरात। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगेन सिंधी लैंग्वेज के लिए स्कीम्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना। नाउ D28 आइसबर्ग, 150 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा D28 आइसबर्ग ब्रोक ऑफ हुआ है अंटार्कटिका के अंदर 210 मीटर, ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एंड छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 210 मीटर मोटा है, 315 मिलियन टन का है। एंड जो ईस्ट साइड है D28 ब्रोक ऑफ हो गया जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ग्रीनलैंड विच आर रैपिडली वार्मिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नाउ होमेज टू महात्मा, यंग स्टूडेंट्स क्रिएट 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो महात्मा गांधी के लिए 150th वर्ल्ड एनिवर्सरी के लिए जो दिल्ली एंड NCR के थे बच्चे, उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के जो लेसन्स हैं वो लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिखाए एट वन प्लेस, मीन्स 5000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा रिकॉर्ड ये कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली एंड लाइटिंग ऑफ सोलर लैम्प्स, मीन्स 5000 से भी ज़्यादा। वयोश्रेष्ठ सम्मान एक स्कीम है नेशनल अवार्ड्स की, जैसे इंस्टीट्यूट किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, इसको अपग्रेड किया गया टू द स्टेटस ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन 2013। एंड ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज को अवार्ड देता है स्पेशली टू दो सिटीजन्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस और अचीवमेंट्स। नाउ दिस इज प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। थैंक यू सो मच।